हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज्यूरिसप्रूडेंस का पेपर, जो कि लॉ सेकंड ईयर का है। BA LLB अगर आप कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर का है, और अगर आप LLB कर रहे हैं तो आपका सेकंड ईयर का है। देख लेते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, पहला है, निम्नलिखित विविधताओं में से किसके विधि के सिद्धांत परिवर्तन धारणा के साथ प्राकृतिक विधि का नाम अर्जित किया है। ओके, इसका जो आंसर है वो है जे रॉस जो है इसका राइट आंसर है। हु हैज़ रिटेन द बुक लॉ एंड द मॉडर्न माइंड जो है ये था आपका जस्टिस फ्रैंक की थी बुक। ओके, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू अमेरिका, जो अमेरिकन थे वो कौन से रिलीजन से, यथार्थवाद से कौन संबंधित नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो इसका जो है हमने होलम्स को लगाया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक के ज्ञाता थे, ये तो अर्थशास्त्री थे बहुत तगड़े वाले। ये है फिलोसफर, वो दो तरीके से हिस्टोरिकल भी जाना जाता है और इकोनॉमिकल भी जाना जाता है, तो दोनों को आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा आपका। ऑथर इन द लॉ इन द मेकिंग, ऑथर कौन है, तो यह है CK Allen। ओके, यह है रियलिस्ट अप्रोच ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इमर्ज्ड, तो इसका जो है देखिए जर्मन है मेरी तरफ से, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा। वैसे जर्मनी है, कंफर्म है दैट द प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी सोलिडरी वाज यूज्ड, जो है इसमें देखिए ऑल ऑफ अबव का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, किसने कहा, देखें, हु सेड द इंटरनेशनल लॉ इज द वॉन्सनिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, ये था हॉलैंड। ओके, ये है, आप देखिए इसमें बी लगाइएगा इस वाले में, फटाक से बता देता हूँ क्योंकि लंबा समय ना लेते हुए टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैं इस वजह से इसे आंसर बता देता हूँ, डायरेक्टली आंसर करता हूँ। देखिए टेंथ का आप लगाएंगे सी, ठीक है, इलेवंथ का आप देखेंगे इसमें, इलेवंथ का जो है वो है ए, आप यहाँ देखेंगे ट्वेल्थ में इसमें सी है आपका सी, और यहाँ देखेंगे आप थर्टीन का जो है सेवेंगनी है, ठीक है, ओके, यहाँ फोर्टीन का बी, फिफ्टीन का बी, सिक्सटीन का सी, सेवनटीन का, देखिए सेवनटीन में इनमें कन्फ्यूज़न का विषय है तो इसे मैंने ड्रॉप डाउन किया है, आप भी छोड़ सकते हैं। 18 का हार्ट सी, 19 का बी, ओके, 20 का डी, 21 का बी, 22 का बी, ओके, 23 का सी। किसने विधि शास्त्र के अधिवक्ता का बहिर्कथन रूप से विवेचित किया है, तो इसका था जूलियस स्टोन ने। ओके, ये है, देखिए किसने विधि शास्त्र को व्याख्यात्मक एवं नियंत्रक विधि शास्त्र के रूप में वर्गित किया गया है, यह है बेंथम। ओके, कौन सा सिद्धांत संपत्ति की अवधारणा से जुड़ा है, कौन सा, तो यथार्थवादी सिद्धांत जो है। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र पात्र किसे किया है, सेवेग्नी ने। ओके, अरस्तु ने समता को पुनः स्थापित करते हुए न्याय को कैसे वर्णित किया है जबकि यह बिगड़ चुकी है, तो इसने कहा है वितरणात्मक न्याय। ओके, हार्ट का द्वितीयक नियम क्या है, शक्ति का नियम था। सामाजिक ने अभिनियंत्रण दिया गया है इसको रॉस्को पाउंड से। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्र ने विधि शास्त्र को अधिरचित विधि का दर्शन कहा है, तो ये है HLA Hart। द लिटमस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिफाइंड किसने लिखी है, तो ये है बेंथम। द प्रोविंस एंड द फंक्शन ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी है, ये जो है जूलियस स्टोन के द्वारा, ठीक है, इसका बी है। विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, विधि धारणा संबंध रखती है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विचारधारा से, इसमें इसका जो आंसर है वो सेलमोंड है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निश्चयात्मक नैतिकता है, यह है ऑस्टिन। इसकी मॉरलिटी नैतिकता से होगा, इसका होगा एहरिंग। ओके,
ये अब मैंने इसमें देखिए दोनों में आपको मुझे कन्फ्यूजन था, ये दो तरीके से हो सकता है कि भारत का संविधान भी हो सकता है, दूसरा भारत के संविधान का पालन करता, तो इसे डाउट है ये छोड़ दिया है। हार्ट के अनुसार द्वितीयक नियमों में से सम्मिलित कौन सा द्वितीयक नियम नहीं है? मान्यता, परिवर्तन, निर्णय और निर्वचन। तो देखिए मान्यता वाला जो है आप लगाएंगे इसमें। किसने कहा था कि प्रगतिशील समाजों का अब एक संचलन प्रास्थिति से संविदा की ओर रहा है? इसका है हेनरी मैने। ओके, समाजशास्त्रीय विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका। ऑल ऑफ दिस इसका लगाएंगे ए। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका समाजशास्त्री आएगा, ठीक है, इसका बी लगा लीजिएगा, इसका सी है, इसका आप देखेंगे तो बी, इसका लगाएंगे बी, इसका लगाएंगे ए, 50 का लगाएंगे आप सी, 51, 51 का आप लगाएंगे ए, 52 का आप लगाएंगे 3, यानी कि 52 का है आपका यहाँ पर बी, 3 एंड 2 दोनों हैं तो आप यहाँ बी लगाएंगे, 3 एंड 4, सॉरी 3 एंड 4, ये एंड ये दोनों सही हैं तो इसमें आप 3 एंड 4 लगाएंगे। ओके, 53 का लगाएंगे सी, 54 का लगाएंगे बी, 55 का लगाएंगे बी, 56 का लगाएंगे ए, 57, 57 देखो ट्रस्ट न्याय स्वामित्व होगा या निहित स्वामित्व होगा, तो इसमें जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इसे ड्रॉप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है एनिमस नहीं होता है, टेम्पोरल होता है, ठीक है। ओनरशिप नॉट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ हिज ओनरशिप, दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय, तो शामेंट के जरिए से था, ठीक है। ठीक है, 61, 61 का सी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का सी, 65 ड्रॉप डाउन है, 66 ड्रॉप डाउन है, 67 का बी, 68 का ए, 69 का सी, 70, 70 का है ये भी ड्रॉप डाउन करिएगा, 71 को भी ड्रॉप करिए, 72 को भी ड्रॉप करिए, 73 का बी, 74 का सी, 75, 75 का बी, 76 का डी, 77 का बी, 78 का डी, 79 का ए, ठीक है, 81, 81 का बी, 81 का सी, 82 का ए, 83 का ए, 84 का ए, 85 का सी, 86 का सी, 87 का ए, 88 का डी, 89 का ए, ओके, 90 का सी, 91 का सी, 92 का ए, 93 का डी, 94 का बी, 95 का सी, 96 का सी, 97 का बी, 98 का बी, 99 का ए और 100 का सी। तो ये थी आपकी आंसर बुक पूरी, जो कि हमने पूरी करा दी है। अगर इसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डाउटेबल है, आपको डाउट लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का से डाउट है, हम उसे रीचेक कर लेंगे, देन अगली आने वाली वीडियो में उसे चेंज करके आपको सुधार भी दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।